नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सर? मजे में। आज हम कक्षा 5 में पढ़ेंगे विषय हिंदी, पाठ 15, खरगोश और हाथी। इससे पहले कठिन शब्द देखेंगे। इस पाठ में कौन कौन से कठिन शब्द आए हैं वो देखेंगे। गिली, गिली यानी कि जो जमीन होती है गिली, गीलापन है ना, उसे कहते हैं गिली जमीन। पशु और चूहे सांप सबके रहने का जो ठिकाना होता है उसे हम कहते हैं बिल। झुंड, प्राणियों का समूह। लोटना, लेट कर करवटे बदलना, गुलंकिया बंधु भाई। सुराग, छेद, किसी भी सुराग किया हुआ है यानी कि छेद। सुराग का मतलब होता है छेद। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे खरगोश और हाथी की कहानी। खरगोश एक छोटा सा जानवर है। खरगोश कैसा जानवर है? एक छोटा सा जानवर है। और हाथी बहुत देते थे, है ना, और बहुत सारा नुकसान करते रहते थे।
लड़ते थे और गुलंडियां मारते थे। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं, वे सूंड में पानी भर भर कर नहाते, फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते। नरम जमीन उसके भार से दब जाती, साथ ही एक खरगोश परिवार भी दब जाते। इससे खरगोश बहुत दुखी थे। क्या करते थे हाथियों को, पानी है ना वो बहुत प्रिय होता है, वो पानी में सूंड से भर भर के नहाते हैं, फिर गीली मिट्टी में जाके लौटते थे, यानी कि गुलंडियां मारते थे। तो उससे क्या खरगोश का जो गिल था ना नीचे वो दब जाता था, है ना, और एक खरगोश परिवार जो पूरा गिल बना के अंदर रह रहा होता था वो दब जाता था, है ना। और उसके बाद में जो हाथी थे वो गुलंडियां मारते थे तो वो गीली जमीन जो थी वो भी दब जाती थी। उससे जो खरगोश थे, खरगोश परिवार, वो बहुत दुखी थे, यानी बहुत परेशान हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है ना। खरगोश के सरदार एक उपाय सोचा, खरगोश की जो सरदार थे उन्होंने क्या सोचा, एक उपाय सोचा कि इसका कुछ न कुछ उपाय तो करना पड़ेगा। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गए। उन्होंने क्या किया, कुछ दो चार जो समझदार खरगोश थे, है ना, उम्र में बड़े होंगे, उनके साथ मिलकर खरगोश के जो सरदार थे वो कहाँ गए, हाथियों के सरदार के पास गए। कुछ दूरी पर बैठे खरगोश ने के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए, यानी कि अगले पांव उठाए खरगोश ने अगला पांव उठाया, उसने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। हाथी ने सूंड उठाकर उसका उत्तर दिया। हाथियों का खरगोश के जो सरदार थे उन्होंने कुछ हाथियों के साथ मिलकर कुछ खरगोश के साथ मिलकर हाथियों के पास गए, हाथी के सरदार के पास, और खरगोश का जो सरदार था उसने अपने आगे वाला पैर उठा के हाथी को नमस्कार किया। हाथी के सरदार ने भी उन्हें सूंड उठाकर नमस्कार किया, है ना, हम नमस्ते करते हैं एक दूसरे से मिलते तब, तो उन्होंने भी ऐसा किया। खरगोश सरदार बोला, हम चंदा चांद के भांजे हैं, चांद के आप क्या हुआ था वहाँ पर जाके नमस्कार तो हो गया उनका, उसके बाद बातचीत करनी पड़ेगी ना आपस में कि क्यों आए हैं, कैसे आए हुआ। तो खरगोश का जो सरदार था उसने बोला, हाथी ने भी उसके नमस्कार का उत्तर दिया, उसके बाद खरगोश ने अपना परिचय दिया। खरगोश सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं, चांद चंदा मामा होते हैं ना उसके, हम भांजे हैं, चांद के भांजे हैं, चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं, यानी कि हमारे जो भाई बंधु हैं उन्हें आप चांद के अंदर देख सकते हो। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं, हमारे कुछ भाई हैं वो कहाँ रहने आए हैं, धरती पे रहने आए हैं, तो हम चांद के भांजे पर हम धरती पे रहने आए हैं। खरगोश खरगोश का जो सरदार था उसने ये सारी बात किसे बताई, हाथी के सरदार को बताई, है ना। फिर मामा रोज सरोवर में आते हैं, कौन बोला, खरगोश बोला कि हम चांद के भांजे हैं और हम धरती पे रहने आए हैं और चंदा मामा है वो रोज सरोवर में
चांद लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। क्या हुआ कि जैसे ही सरोवर, खरगोश ने बोला कि सरोवर में रात को चंदा मामा आते हैं, है ना। खरगोश बोला कि वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें देखकर अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे परिवार दब गए। वैसे ही रात हुई, है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, है ना, और जो हवा के साथ में जो चंदा मामा थे वो लहरों में सरोवर में ऊपर नीचे हो रहे थे। चांद का जो रिफ्लेक्शन होता है वो पानी में दिखाई देता है, तो उनकी परछाई जो है वो पानी में दिखाई दे रही थी। और वो कैसे दिखाई दे रही थी, ऊपर नीचे हो रही हो ऐसी दिखाई दे रही थी, है ना। तो हाथी और खरगोश वहाँ पहुँचे। उस समय हाथी और खरगोश कहाँ पहुँचे, सरोवर के किनारे। खरगोश बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से में कांप रहे हैं। क्या बोला कि देखिए महाराज, हाथी को बोला खरगोश कि देखिए महाराज, चंदा मामा जो है वो गुस्से से कांप रहे हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, आप जल्दी वहाँ से दूर चले जाए, लगता है मामा बहुत नाराज है, है ना। उसने अपनी बात कहते हुए क्या कहा कि मेरे जो चंदा मामा है वो गुस्से से बहुत कांप रहे हैं, आप वहाँ से जल्दी ही दूर चले जाए, लगता है मामा बहुत गुस्से में है। हाथियों के सरदार ने अपने मामा बहुत नाराज है ना, उसमें हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा, सभी डर गए। हाथियों के जो सरदार थे वो सबसे बड़े थे, तो छोटे छोटे जितने भी हाथी थे उनकी तरफ गुस्से से देखा तो वो सब डर गए, सभी हाथी डर गए। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई, सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। अब सरदार बोले, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार, यानी कि हमारा आप प्रणाम स्वीकार करें, हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं, आप हमें क्षमा करें, हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं, अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। क्या बोले हाथियों के सरदार कि आपको हमारा प्रणाम, आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें, आपको तकलीफ हुई इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, अब हमारे हमारे साथी या हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि आपको तकलीफ हो, और इसी समय हम दूसरे जंगल में चले जाएंगे। तो हाथियों के जो सरदार थे उन्होंने चंदा मामा से माफी मांगी। तो देखा बच्चों आपने, इस पार्ट में छोटा सा खरगोश बड़े से हाथी को अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार कैसे परास्त करता है, है ना। कभी भी हमें गिव अप, यानी कि हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, है ना। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो, धैर्यपूर्वक बुद्धिमत्ता से उसका उपयोग करना चाहिए। तो ये जो कहानी है इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय हमें धैर्यपूर्वक कार्य करना चाहिए। तो बच्चों पाठ 15 पढ़ा हमने, खरगोश और हाथी की कहानी पढ़ी, है ना। अब उसके शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ के अंदर सरोवर, झील जिसमें चारों ओर पानी भरा हुआ होता है, परिवार, एक घर में रहने वाले बहुत सारे लोग, मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, परिवार, हमारा परिवार होता है। उसी प्रकार पशु पक्षियों का भी परिवार होता है, है ना, और ये परिवार एक झुंड में रहता है, ना, परिवार एक घर में रहने वाले लोग, बंधु भाई, है ना, बंधु को क्या कहते हैं, भाई, भाई बंधु को एक शब्द होते हैं ना, उसी बंधु भाई। कुचलना, दबाना, हाथियों ने छोटे छोटे वृक्षों को कुचल डाला।
है तो भांजा बहन का लड़का। समीप नजदीक पास हम क्या कहते हैं, समीप आ जाओ, नजदीक आ जाओ, पास आ जाओ, बोलते हैं ना, वैसे समीप नजदीक है ना। तो देखा बच्चों, आज हमने हाथी और खरगोश की कहानी पढ़ी, उसी प्रकार हम एक रोचक कहानी और पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक में लेसन 15 पाठ 15 में एक कहानी पढ़ी थी। कहानी के अंदर फिर एक कहानी है ना बच्चों, खरगोश की कहानी। तो इस कहानी में क्या बताया गया है कि खरगोश जो है वो बहुत घमंडी है ना, और कछुए की धीमी चाल पर वो हंसता है, हंसता है और उससे स्पर्धा लगाता है, यानी कि कंपटीशन की शर्त लगाता है। उसके बाद घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, तो वो क्या अनुभव करता है लास्ट में वो इस कहानी में बताया गया है। तो हम देखेंगे ये कहानी, कछुआ और खरगोश की कहानी। एक जंगल था, उसमें एक खरगोश रहता था। उसे अपनी तेज चाल पर बहुत घमंड था। उसी जंगल में तालाब के किनारे एक कछुआ भी रहता था। खरगोश उसकी धीमी चाल पर हंसता था। एक बार उसने कछुए के साथ दौड़ने की शर्त लगाई। क्या था, एक बहुत बड़ा जंगल था, उस जंगल के अंदर एक तालाब था, उसके अंदर एक खरगोश वहाँ रहता था। खरगोश के साथ ही एक कछुआ भी रहता था। जब कछुआ चलता था तो खरगोश बहुत हंसता था, क्यों, क्योंकि उसकी चाल जो थी वो बहुत धीमी थी, उसकी धीमी चाल पर खरगोश हंसा करता था और उसने अपने तेज चाल पर बहुत घमंड था, घमंड था, पर उसने उस घमंड घमंड में कछुए के साथ स्पर्धा करने की शर्त लगाई। कछुए के साथ जब वो स्पर्धा की शर्त लगाता है तो देखता है कि कछुआ कैसे उसे मार देता है, वो इस कहानी में आगे दिखा रही। दौड़ शुरू हुई, खरगोश ने कछुए को जल्दी ही पीछे छोड़ दिया। आगे जाकर उसने देखा कि कछुआ बहुत पीछे है। उसने सोचा, क्यों न थोड़ा आराम कर लूं, है ना, क्वेश्चन मार्क, क्यों न थोड़ा आराम कर लूं। वह एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठा। थोड़ी